हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फॉर मोर बाय मौदूसी। आज मैं आप लोगों के साथ स्टफ्ड परवल फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। आप आसानी से परवल चप यानी पोटोले चप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं परवल, बॉइल्ड आलू, ऑनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, सूखी मिर्च, साबुत जीरा, गरम मसाला, बेसन, हल्दी पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, तेल ले ली। यहाँ पे मैं 5 परवल का छिलका निकाल कर आधा कर ली। अब इसमें नमक एंड थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे एंड कुछ देर तक रख देंगे कि नमक अंदर तक जाए। अब 2 उबला हुआ आलू को स्मैश कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद 2 सूखी मिर्च को कुछ देर तक रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे एंड कुछ सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे। रोस्टेड मिर्च एंड जीरा को एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब कढ़ाई में 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का ऑनियन डाल देंगे। अब इसमें जाएगा नमक। ऑनियन को कुछ देर तक भून लेंगे। अब इसमें 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके और थोड़ी देर भून लेंगे। कटी हुई 2 हरी मिर्च डालकर मिला लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके कुछ सेकंड तक चला लेंगे। अब स्मैश किया हुआ आलू डाल देंगे एंड नमक ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में कुछ देर तक पका लेंगे। रोस्टेड मिर्च एंड जीरा का पाउडर बना लेंगे। अब रोस्टेड मसाला डालकर आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे। लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। चॉप के लिए स्टफिंग रेडी। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके स्टफिंग को एक बोल में निकाल लेंगे। कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक चॉप का आउटर लेयर के लिए बैटर बना लेंगे। एक मिक्सिंग बोल में 1 कप से थोड़ी सी कम बेसन, नमक स्वादानुसार, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब पानी ऐड करके अच्छे से फेंटते हुए एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी यूज की हूँ। ध्यान दें कि बैटर पतला ना हो। अब ऐसे 1/2 परवल ले लेंगे एंड ऊपर से स्टफिंग को रख देंगे एंड हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए एक होल परवल की शेप दे देंगे। सभी चॉप को ऐसे रेडी कर लेंगे। आलू के ऊपर थोड़ी सी बेसन छिड़क देंगे। इससे बैटर में डीप करते टाइम स्टफिंग अलग नहीं होता है। अब स्टफिंग को बेसन के घोल में डीप करके गरम तेल में डाल देंगे। पलटते हुए लो टू मीडियम फ्लेम में चॉप को डीप फ्राई कर लें। टिश्यू के ऊपर निकाल लेंगे। सभी चॉप को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हमारा परवल चॉप यानी पोटोले चॉप रेडी है सर्विंग के लिए। अब एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे एंड ऊपर से काला नमक छिड़क देंगे। ये स्टेप स्किप ना करें, ये अलग सा एक फ्लेवर लाता है। गर्मा गर्म इसको एज ए स्नैक्स सर्व कर सकते हैं या तो पाफ्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा लगता है।
अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे बेल आइकन में प्रेस कर दें। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए कि मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।